हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V27 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऑटो टच की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ना ऑटो टच करने लग जाता है कभी कभी किसी बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑटो टच के ठीक करने के लिए आपको है ना सबसे पहले तो करना क्या है, ये जो आपका स्क्रीन कार्ड होता है ना मोबाइल फ़ोन के ऊपर, ये थोड़ा सा हमारा जो है गंदा हो जाता है। इसे आप जो अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए और इससे आपके मोबाइल फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा प्रोसेस क्या करना है कि आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ठीक है, स्क्रीन कार्ड है, इसे आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर स्क्रीन कार्ड में कोई दिक्कत होगी तो आपके स्क्रीन टच की जो ऑटो टच की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी स्क्रीन कार्ड को चेंज करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जो है काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक रन करते रहते हैं, उनका काम चालू रहता है, वो आपके मोबाइल फोन की बैटरी और आपके मोबाइल फोन का डेटा वगैरह काफी सारी चीजें जो है कंज्यूम करते रहते हैं। तो उन्हें आपको जो है स्टॉप करना है। स्टॉप कैसे करना है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स पे आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ना ये ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट, ठीक है, इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। अभी आपका सामने पेज आएगा, इस पेज में आपको ये वो ऐप्स आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में रन करते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको स्टॉप करना है। स्टॉप कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक एक करके आपको ना किसी सारे ऐप्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाता है रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड है, इसके सामने अगर सर्कल दे रखा है आपके फोन में तो इसे आपको सिलेक्ट करना है, ये टिक मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आपका ऐप जो है स्टॉप हो जाएगा, आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपके रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के सामने अगर कोई बटन दे रखा है, वो बटन चालू है, तो उस बटन को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसी तरीके से आपको बाकी सारे ऐप्स को भी स्टॉप कर देना है, जिससे आपके ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक प्रोसेस और बता देता हूँ कि आपके मोबाइल फोन का जो पावर बटन होता है ना, ये वाला पावर बटन को आपको ना उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। उंगली से दबा के रखेंगे तो आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट का। तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि आपका मोबाइल फोन जो है ना ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है। रीस्टार्ट करने से क्या होता है दोस्तों कि आपके मोबाइल फोन के एंड्रॉयड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी कमियाँ होती हैं तो वो कमियाँ दूर हो जाती है, ठीक है ना। काफ़ी सारी ऐसी कमियाँ दूर हो जाती है, प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है और आपके ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके फालतू के होते हैं, जिन्हें आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, उन्हें तो पहले तो आपको अपने फोन से हटा देना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। और जो बाकी के ऐप्स हैं उन सभी ऐप्स का आपको डेटा क्लियर कर देना है, ठीक है। डेटा क्लियर कैसे करना है, देखिए आपको ना कोई सा भी ऐप जो है उंगली से मैं दबा के रखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से उंगली से दबा के रखेंगे तो आपको ये ऐप इन्फो का ये ऑप्शन मिलेगा, ऐप इन्फो पर टैप करना है तो आपका ऐप इन्फो का पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड कैच का, ठीक है, इसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका जो है ना ये इस तरीके से क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैच का ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों पे टच कर देना है, ठीक है, यानी कि इसको क्लियर स्टोरेज कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसका क्लियर स्टोरेज कर रखा है, तो इसका यूजर डेटा भी जीरो हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर स्टोरेज करने से क्या होता है कि आपका जो ऐप है एक तरीके से रीसेट हो जाता है। अगर आप जो है नेक्स्ट टाइम उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ परमिशंस जो है फिर से देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप ऐप्स को जो है इनका जो है ना बैकग्राउंड जो है इनका डेटा जो है वो डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे आपके ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। दोस्तों यहां पर हमें ऐप्स की जो है डेटा इसलिए रीसेट करना पड़ता है, हम जो है काफी समय से अपने ऐप को यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारा जो ऐप है वो काफी सारी एमबी या जीबी में कंज्यूम करता रहता है, ठीक है ना। तो हम जो है अपने ऐप को भी अगर रीसेट कर लेंगे तो हमारी ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों आपको जो है ना ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती है तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, उसमें अपने फोन को जो है ना रीसेट कर देना है। रीसेट कैसे करेंगे, देखिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, सिस्टम पे सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, ये रीसेट ऑप्शन, रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। अभी आपका है ना रीसेट ऑप्शन के इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, फोटो वीडियोज या कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आपको किसी भी
दूसरे अदर डिवाइस में ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी नोट कर लेना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि रीसेट करने से क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, यहाँ तक कि आपका जीमेल अकाउंट भी जो है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका डेटा भी डिलीट हो जाएगा, तो आपको किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर लेना है। रीसेट करने से आपके मोबाइल फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन के ना ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है कि आपकी जो मोबाइल फ़ोन है ना, इस कंपनी का जो कस्टमर सर्विस जो सर्विस सेंटर होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको ले जाके या पास का कोई सर्विस सेंटर है उस पर ले जाके आपको इसको चेक करवा लेना है कि इसमें ऑटो टच की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर ये सारे प्रोसेस जो है जो मैंने आपको बताया, ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपकी ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब आपको अपने सर्विस सेंटर में जाना है, मोबाइल के सर्विस सेंटर में, ठीक है ना, इसे फ़ोन को दिखाने के लिए। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, जिससे हमारा मोबाइल फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।